हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ ओरिजिन कोचिंग। आज हमारा जो टॉपिक है हिंदी मीडियम का, हमारा जो सीरीज चल रहा है फिजिक्स का, उसका जो चैप्टर है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इसका फिफ्थ पार्ट, जिसमें हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम, मतलब गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग। आपने फोर्थ नंबर के वीडियो में गॉस प्रमेय पढ़ा है, पूरा फंडामेंटल मैंने उसमें क्लियर किया था। आज हम उसके एप्लीकेशन पढ़ेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपके बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन 100% आने को चांस है, क्लियर। तो पढ़ेंगे अपन उसका अनुप्रयोग, गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग। गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग का मतलब है कि गॉस ने जो प्रमेय दिया वो प्रमेय क्या काम आता है, हम उसको किस तरह से यूज करते हैं। तो देखिए, आपको याद होगा गॉस प्रमेय का जो स्टेटमेंट है, कथन है, वो है फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, मतलब किसी बंद पृष्ठ से निकलने वाले जो फ्लक्सों की संख्या है वह उस पर उपस्थित कुल आवेश का 1/ एप्सिलॉन गुना होता है। अब हम इसकी सहायता से क्या करेंगे, तो इसकी सहायता से हम क्या करेंगे, किसी भी हमारे पास मान लो आवेशित पिंड है, तो वो आवेशित पिंड, सपोज मेरा ये मार्कर एक चार्ज बॉडी है, एक आवेशित पिंड है, तो इसके सराउंडिंग में चारों ओर जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा उसके किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जैसे सपोज ये मेरे पास कोई चालक है, अब ये चालक क्या करेगा, अपने चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। अब इसके किसी बिंदु पर मान लो एक कोई बिंदु है, इस बिंदु पर मैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जानना चाहता हूँ, तो वो हम गॉस प्रमेय की सहायता से निकाल सकते हैं। तो इससे पहले कि मैं आपको इसके एप्लीकेशन समझाऊँ, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि हमको इसमें किस किस स्टेप से वर्क करना होता है, दैट मीन्स उसको कहता हूँ मैं वर्किंग स्टेप्स। वर्किंग स्टेप्स बताने से आपको फ़ायदा क्या है कि आपको जितने एप्लीकेशन पढ़ेंगे उसको इसी ऑर्डर पर आपको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले इसमें हम निकालते हैं आवेश, सबसे पहले आप आवेश निकालेंगे, और आवेश निकालने का फार्मूला होगा आवेश Q बराबर होगा आवेश घनत्व, आवेश घनत्व गुणित, आवेश घनत्व का मान लिखेंगे और गुणित, यदि वह एक वन डायमेंशन बॉडी मतलब केवल उसमें लंबाई है तो उसके लंबाई का गुणा करेंगे, यदि लंबाई चौड़ाई दोनों हैं तो क्षेत्रफल का गुणा करेंगे, और तीनों हैं तो आयतन का गुणा करेंगे। ये पहला फार्मूला ध्यान रखेंगे, मतलब सबसे पहले उस पिंड पर कितना आवेश है इसकी गणना करेंगे, जो किस फार्मूला से होगा, उस पर आवेश घनत्व इंटू लंबाई या तो क्षेत्रफल या तो आयतन। दूसरे नंबर में क्या करेंगे अपन, फ्लक्सों की संख्या निकालेंगे, दूसरे नंबर हम निकालेंगे फ्लक्सों की संख्या। फ्लक्सों की संख्या निकालने का फार्मूला अपने पास क्या है, फाई इक्वल टू ई डी एस कॉस थीटा, हम इस फार्मूला की सहायता से फ्लक्सों की संख्या निकालेंगे। और तीसरे नंबर में हम क्या करेंगे, इन दोनों वैल्यू को गॉस का जो प्रमेय है जिसका हम अनुप्रयोग पढ़ने जा रहे हैं, गॉस के प्रमेय जो कि क्या है अपने पास, फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर हम पुट अप कर देंगे किसका वैल्यू, ये जो फाई है इसका वैल्यू यहाँ से ला के पुट कर देंगे, और ये जो आवेश का मान है उसको ला के यहाँ पर पुट कर देंगे। ऐसा करने से क्या मिलेगा, इसके वैल्यू को मैं यहाँ पर पुट कर दूँ तो ई इंटू डी एस इंटू कॉस थीटा इक्वल, यहाँ पर आवेश का मान ये रखा जाएगा, ठीक है, जो भी आवेश का मान आएगा इसको हम यहाँ पर पुट अप करेंगे, और अब एप्सिलॉन नॉट, इसके बाद हम क्या करेंगे, बाएं तरफ इस ई को अकेले छोड़ देंगे, बाकी सबको ट्रांसफर कर देंगे, और इसकी सहायता से हम निकाल लेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो वास्तव में गॉस प्रमेय का अनुप्रयोग क्या है अपने पास, गॉस प्रमेय की सहायता से हम किसी भी चालक के चारों ओर जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा उसके किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है इसकी हम गणना करेंगे, क्लियर। तो वन बाय वन अपन हमारे सिलेबस में 3 टाइप के बॉडी का विद्युत क्षेत्र की तीव्रता गणना करना है। सबसे पहले सरल रेखी चालक, जैसे कोई रेखी चालक हो, दूसरे नंबर में अपने को आयताकार चादर निकालना है, और तीसरा निकालना है स्फेरिकल बॉडी मतलब गोली पिंड, क्लियर।
तो ये आप ध्यान रखेंगे कि हमारा वर्किंग स्टेप क्या होगा। देखिए तो सबसे पहले हम निकालते हैं ऋजु रेखी चालक, जिसको बोलते हैं सरल रेखी चालक, स्ट्रेट लाइन कंडक्टर, स्ट्रेट लाइन चार्ज। इसके आपके बोर्ड एग्जाम में आने के चांस 100% है। पहला सरल रेखी चालक या अपन चार्ज वाड़ी भी कह सकते हैं, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन, अब यहां पर क्या है देखिए, एक स्ट्रेट लाइन अपने पास, एक स्ट्रेट लाइन है। सपोज ये मैं आपको एग्जांपल देता हूं, ये एक स्ट्रेट लाइन है। सपोज इस स्ट्रेट लाइन को मैंने क्या किया, आवेश दिया, चार्ज दिया, तो इसके चारों ओर क्या होगा, एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। इस तरह से सपोज ये कोई स्ट्रेट लाइन कंडक्टर है, ये स्ट्रेट लाइन कंडक्टर है, इसका नाम L है और इसकी लंबाई अनंत है, ये अनंत लंबाई का है। इसको हमने क्या किया, इसको हमने प्लस क्यू चार्ज दिया। इसको प्लस क्यू चार्ज देने से इसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। इस पर आवेश घनत्व को सपोज हमने लेमडा मान लिया, लेमडा इस पर आवेश घनत्व है। अब देखिए जैसे ही इसको आवेश देंगे तो इसके चारों ओर जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा उसके किसी बिंदु पर हमको तीव्रता ज्ञात करनी है। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक इस तरह से बेलनाकार पिंड की कल्पना करेंगे। ये हम सपोज करेंगे कि सपोज अपने पास एक बेलन है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि सर हमने यहाँ पर बेलन ही क्यों बनाया। तो बेलन बनाने का कारण क्या है, क्योंकि हम पढ़ते आ रहे हैं कि ये जो गास का प्रमेय है वो सिर्फ क्या होता है, बंद पृष्ठ के लिए लागू होता है। तो एक बेलन क्या होता है, बंद पृष्ठ होता है, इसलिए हमने बंद पृष्ठ बनाया। और इस बंद पृष्ठ के चारों ओर चुंबकीय विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको निकालना है। अब हमने बेलनाकार ही क्यों बनाया, गोलाकार भी बना सकते थे या कोई और घन घनाभ भी बना सकते थे। उसका कारण क्या है, ये एक होमोजेनियस बॉडी होता है, एक जैसा होता है। यदि आप उसको इसका क्रॉस सेक्शन करेंगे, काटेंगे, तो आपको हर जगह एरिया क्या मिलेगा, समान मिलेगा। क्लियर। अब यहाँ पर देखिए, ये हम यहाँ पर बिंदु P सपोज करते हैं और यहाँ पर मान लो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, E है। ये जो बेलन बनाया उसकी त्रिज्या को हम R मान लेते हैं और इसकी लंबाई को मान लेते हैं L। इस प्रकार से ये एक डॉटेड लाइन से हमने जो किया है वो क्या है, एक बेलन है। अब अभी जैसे मैंने आपको वर्किंग स्टेप बताया उसके हिसाब से अपन वर्क करने स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले क्या निकालने बोला था मैं, आवेश। तो इसलिए हम इसकी आवेश की गणना करेंगे। तो इस पर जो आवेश होगा क्यू, क्यू बराबर होगा आवेश घनत्व जो कि लेमडा है और इनटू इसकी लंबाई, क्योंकि जिस तार पर हम आवेश क्यू माने हैं उसकी लंबाई हमने अभी क्या लिया है, ये एल ना, सॉरी इसकी लंबाई एल, इस तरह से लिया हुआ है। ये एल लंबाई के तार को हम यूज किए हैं, इसलिए वहां पर हम सिर्फ ये तार की लंबाई तो अनंत है, लेकिन जिसके कारण हम तीव्रता निकाल रहे हैं उसकी लंबाई हम कितना माने, एल। इसलिए यहाँ पर किसका मल्टीप्लाई करेंगे, एल का करेंगे। दूसरे पॉइंट में मैंने बताया क्या कि आपको फ्लक्सों की संख्या निकालना है। तो यहाँ पर तीन पृष्ठ है अपने पास, एक पृष्ठ ये है, एक पृष्ठ S1, दूसरा पृष्ठ S2 और तीसरा पृष्ठ S3। इस प्रकार से बेलन, ये मेरा मार्कर को आप बेलन समझ लीजिए, बेलन ही है। तो इसके तीन पृष्ठ हैं, ये इसका वक्र पृष्ठ है, ये इसका समतल पृष्ठ है, ये इसका समतल पृष्ठ है, ठीक है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे समतल पृष्ठ S1 से निकलने वाले फ्लक्सों की संख्या, ये हम निकालिए, इस निकाल लेते हैं ये, इसको हमने कह दिया फाई ई वन। S1 पृष्ठ है तो फाई ई वन कह दिया। अब इसका फॉर्मूला क्या आएगा, ई S1 इंटू कास। अब यहाँ पर कोण का मान रखेंगे कि थीटा का मान कितना है, तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे ये क्या है, बेलन का पृष्ठ S1। क्लियर, ये हमारा S1 बेलन का पृष्ठ है और ये है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा। मतलब यहाँ पर हम बात करें
तो ये हमारा एक बेलन है, ये इसका पृष्ठ है और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा इस तरह से है। तो आप यहाँ पर देखिए, ये विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता की दिशा है वो इस पृष्ठ के क्या है, लंबवत है। अब मैंने आपको पहले कॉन्सेप्ट में समझाया था गॉस थ्योरम पढ़ाते समय कि यदि तीव्रता की दिशा पृष्ठ के लंबवत हो, क्लियर, देखिए ये पृष्ठ है, सॉरी इसके समांतर है, ये पृष्ठ का दिशा है, ये दोनों आपस में समांतर है, मतलब ये लंब होगा, तो थीटा का डिग्री कितना हो जाएगा, थीटा का वैल्यू कितना होगा 90 डिग्री, तो हो जाएगा कास 90, और कास 90 का वैल्यू कितना होता है 0, तो ये पूरा फ्लक्सों की संख्या क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्लियर। अब यहाँ पर हम देखते हैं क्या, समतल पृष्ठ S2 से निकलने वाले फ्लक्सों की संख्या, S2 से निकलने वाले फ्लक्सों की संख्या, सेंटेंस कंप्लीट कर लेंगे आप, उसको हमने क्या कह दिया, फाई ई थ्री इक्वल टू जाएगा ई इंटू एस थ्री, ये भी कास 90 होगा, क्यों 90 होगा, क्योंकि ये वाला पृष्ठ जो है वो भी इसके समांतर है, और जब पृष्ठ के तीव्रता समांतर होती है तो पृष्ठ के वो लंबवत होती है, ये भी क्या हो जाएगा 90 डिग्री, इसका वैल्यू भी कितना हो गया 0। अब हम निकालेंगे क्या, एस थ्री पृष्ठ से निकलने वाले फ्लक्सों की संख्या, इसलिए निकलने वाले फ्लक्सों की संख्या, इसको हमने कह दिया क्या, फाइ ई थ्री इक्वल टू आएगा ई एस थ्री, और यहाँ पर कास 0 डिग्री होगा। कास 0 डिग्री कैसे होगा, देखिए ये एस थ्री पृष्ठ है और ये तीव्रता है, तो ये तीव्रता क्या है, पृष्ठ के लंबवत है, मतलब पृष्ठ पर खींचे गए लंब के क्या हो जाएगा, वो समांतर हो जाएगा, क्लियर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कास 0 दैट इक्वल ई इंटू, अब ये क्या है, बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ कितना होता है 2πRL, क्लियर, कर्व सरफेस यह आएगा 2πRL, और cos 0 डिग्री का वैल्यू होता है 1। इस तरह से हम निकालेंगे कुल फ्लक्सों की संख्या, इसलिए कुल फ्लक्सों की संख्या, अब कुल फ्लक्सों की संख्या निकालना है, तो मान लो कुल फ्लक्सों की संख्या फाई ई है, तो सब प्रयोग कर देंगे, फाई ई वन प्लस फाई ई टू प्लस फाई ई थ्री दैट इक्वल, ये 0 है, ये 0 है, और ये कितना है, e इंटू 2πRL, मतलब कुल फ्लक्स कितना हो जाएगा, e इंटू 2πRL। अब मैंने आपको वर्किंग स्टेप में भी बताया था कि हमको सबसे पहले क्या निकालना है, आवेश, ये हम आवेश निकाल लिए, फिर क्या निकालना है, फ्लक्सों की संख्या, और तीसरा मैंने वर्किंग स्टेप में बताया था, ये दोनों मान को हम क्या करेंगे, गॉस के प्रमेय में रख देंगे, इसलिए गॉस के प्रमेय से, गॉस के प्रमेय, इसको पुट अप कर देंगे, तो गॉस का प्रमेय क्या है अपने पास, फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, दैट इंप्लाइज फाई का वैल्यू हम यहां से पुट कर देते हैं, ये हो जाएगा ई इंटू 2πRL इक्वल क्यू का वैल्यू क्या है, लेमडा इंटू एल, ये लेमडा इंटू एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब आप देखिए दोनों साइड से, ये जो L है इस L के साथ में कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर मैंने आपको क्या बताया था कि बाकी पार्ट को E को छोड़ के बाकी पोर्शन को हम क्या करेंगे, राइट साइड ट्रांसफर कर देंगे, तो ये हो जाएगा E इक्वल यहाँ से लेमडा इंटू, ये ऊपर ट्रांसफर हो जाएगा, ये क्लियर, लेमडा डिनोमिनेटर में आ जाएगा, हर में आ जाएगा, तो लेमडा अपॉन 2πएप्सिलॉन नॉट, ये 2πR, सॉरी ना 2πR इंटू एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला। इस प्रकार से हम गॉस प्रमेय की सहायता से कोई हमारे पास सरल रेखी चालक है या सरल रेखी आवेशित पिंड है, उसके चारों ओर जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा उसके किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, इसे हम निकाल सकते हैं, ये इसका फर्स्ट एप्लीकेशन है, क्लियर। अब हम देखते हैं इसका सेकंड नंबर एप्लीकेशन, तो सेकंड नंबर इसका एप्लीकेशन क्या है, आयताकार चादर, प्लेन सीट, प्लेन सीट मतलब जिसमें क्या हो, लंबाई हो और चौड़ाई हो, लंबाई और चौड़ाई हो, उसकी मोटाई को हम क्या मानेंगे, नेग्लिजिबल, लगन्य मान के चलेंगे, ठीक है। देखिए गॉस थ्योरम का जो एप्लीकेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है,
ये हर बोर्ड एग्जाम में, चाहे वो स्टेट बोर्ड हो, आईसीएसई बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, सब में इसका क्वेश्चन पूछा जाता है। सेकंड एप्लीकेशन इज ये मेरे पूरे वीडियो इंग्लिश मीडियम में भी प्रोवाइडेड है। आपको पता है कि मैं फिजिक्स को स्पेशली हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए अलग से बना रहा हूँ, बाकी इंग्लिश मीडियम के सारे वीडियो हमारे अपलोड हो चुके हैं ये पूरे टॉपिक पर। सेकंड है आयताकार चादर प्लेन सीट। प्लेन सीट मतलब किस तरह की बात है, कोई सीट है अपने पास जिसमें ओनली लेंथ हो और क्या हो, विड्थ हो, ठीक है। तो ये प्लेन सीट अपन, ये बहुत आसान है, ये प्लेन सीट हमने कंसीडर कर लिया इस तरह से, और इस प्लेन सीट के दोनों साइड, लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों साइड क्या होगा, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो सपोज यहाँ पर हम कोई पी पॉइंट लिए और उसको हम क्या किए, एक बेलन के अंदर ले लिए ये, और ये बेलन आप इमेजिन करिए कि बेलन इस सीट के बाहर निकला हुआ है इस तरह से, क्लियर। अब यहाँ पर हमने सपोज कर लिया कि इसमें प्लस क्यू चार्ज है, इसका आवेश घनत्व तो मान लो सिग्मा है, और इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा ए है। ये सपोज इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए है, ये पृष्ठ एस वन होगा, ये पृष्ठ को हमने मान लिया एस टू, और ये वाला पृष्ठ क्या हो गया एस थ्री। बस वर्किंग सेम टू सेम होगा। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे इसमें, आवेश Q। तो आवेश बराबर कहा जाएगा आवेश घनत्व जो हमने माना है सिग्मा, और इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल लेंगे क्या A, रिलेशन नंबर फर्स्ट, क्लियर। इसके बाद हम निकालते जाएंगे एक एक पृष्ठ से फ्लक्सों की संख्या। तो एस वन पृष्ठ से निकलने वाले फ्लक्सों की संख्या एस वन पृष्ठ से कितने फ्लक्स निकलेंगे, हमने उसको सपोज कर लिया क्या फाइ ई वन, तो फाइ ई वन इक्वल टू आएगा E, और यहाँ पर क्षेत्रफल क्या है A, और कास यहाँ देखिए ये पृष्ठ है और ये तीव्रता की दिशा है, मतलब इस पर क्या है ये लंब है। तो जब पृष्ठ पर तीव्रता लंब हो तो लंब के समांतर होती है, तो कास कितना है डिग्री, जीरो डिग्री, दैट इक्वल टू ये हो जाएगा ई इंटू ए, क्योंकि कास जीरो क्या होता है वन होता है। इसी प्रकार से निकाल लेंगे किसे, एस टू पृष्ठ से निकलने वाले फ्लक्सों की संख्या, सेंटेंस मत, तो सबको वर्किंग सेम है इसलिए मैं पहले स्टार्टिंग वही बता दिया। ये आ जाएगा फाइ ई टू इक्वल टू ई इंटू ए, यहाँ पर भी कास जीरो इक्वल टू जाएगा ई इंटू ए। इसी तरह से एस थ्री पृष्ठ से निकलने वाले फ्लक्सों की संख्या निकालेंगे तो हो जाएगा फाइ ई थ्री इक्वल टू ई इंटू ए इंटू, अब देखिए यहाँ पर ये जो सरफेस है एस थ्री सरफेस, तो एस थ्री सरफेस के क्या है ये समांतर है, तो थीटा क्या हो जाएगा 90 डिग्री, यहाँ पर ए नहीं एस थ्री होगा, ये हो जाएगा कास 90, ये हो गया जीरो, ठीक है। अब हम क्या निकाल लेंगे कुल फ्लक्सों की संख्या, इसलिए देखो दोनों का वर्किंग स्टेप सेम टू सेम है जैसा, इसलिए मैं स्टार्टिंग में बता दिया आपको कुल फ्लक्सों की संख्या निकालने के लिए हम सभी फ्लक्स को जोड़ देंगे, तो फाई इक्वल टू आएगा फाई ई वन प्लस फाई ई टू प्लस फाई ई थ्री, दैट इक्वल टू ई ए प्लस ई ए प्लस जीरो, दैट इक्वल टू टू ई ए, ये हो जाएगा हमारा रिलेशन नंबर सेकंड। रिलेशन नंबर फर्स्ट में हमने निकाला है कुल आवेश। अब मैंने आपको क्या बताया था वर्किंग स्टेप में कि दोनों मान को गास के प्रमेय में पुट अप कर देंगे, क्लियर। इसलिए गास के प्रमेय से देखिए एक बार यदि आप वर्किंग स्टेप को पकड़ लिए तो पूरा काम वैसे का वैसे करना है। तो गास के प्रमेय से क्या करेंगे अपन, फाई ई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, दैट इंप्लाइज फाई का वैल्यू क्या हो जाएगा टू ई ए, इक्वल टू क्यू का वैल्यू कितना हमने निकाला है सिग्मा इंटू ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट, दैट इंप्लाइज ये दोनों साइड से ए ए कैंसिल हो जाएगा, तो ई इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, ये होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसके लिए, आयताकार चादर के लिए।
तो ये सेकंड एप्लीकेशन है और बिल्कुल वैसी है जैसे फर्स्ट एप्लीकेशन है। आपको बस पकड़ना है वर्किंग स्टेप कि सबसे पहले आवेश निकालना है, फिर तीनों पृष्ठ से अलग अलग फ्लक्स निकालना है, फिर तीनों फ्लक्सों को ऐड कर देना है और गास प्रमेय में पुटअप कर देना है। क्लियर। अब हमारा जो थर्ड एप्लीकेशन है वह है गोला स्फेयर। गोली आवेश स्फेरिकल चार्ज बॉडी। गोली आवेश स्फेरिकल चार्ज बॉडी मतलब अब हमको जो इसको आवेश देना है वो पिंड क्या है, गोलाकार है। तो यहाँ पर देखिए हम ये गोला बना लेते हैं। सपोज ये कोई स्फेयर है, इसका हमने रेडियस मान लिया सपोज कैपिटल आर। अब हमने इसको दिया है प्लस क्यू चार्ज, इसको हमने प्लस क्यू चार्ज दिया। तो प्लस क्यू चार्ज देने से इसके चारों ओर क्या होगा, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। तो ये सपोज उसके चारों ओर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र का एरिया है। अब इसके किसी बिंदु पर मान लो बिंदु P है, यहाँ पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है, मान लो क्या है E है, और ये जो गोला हमने माना है उसकी त्रिज्या मान लो स्मॉल r है। कैपिटल R क्या है, जिस पर आवेश है उसकी त्रिज्या है, और स्मॉल r उस गोले की त्रिज्या है जहाँ पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। क्लियर। तो यहाँ पर देखिए अभी तक हमने जो पढ़ा उसमें तीन सरफेस लेते थे क्योंकि बेलन माने थे, बेलन के तीन सरफेस होते हैं, लेकिन गोला एक ऐसा पिंड है जिसका केवल एक पृष्ठ होता है। इसे यहाँ पर तीन पृष्ठ मानने की जरूरत नहीं है, हम सीधा यहाँ पर क्या निकालेंगे, फ्लक्सों की संख्या। यहाँ पर आवेश घनत्व भी मानने की जरूरत नहीं है, तो इसका कैलकुलेशन बहुत आसान है। सीधा पर निकालेंगे फ्लक्सों की संख्या, फ्लक्सों की संख्या, और फ्लक्सों की संख्या निकालने के लिए हम फार्मूला यूज करेंगे क्या, फाई इक्वल टू ई डी एस कॉस थीटा। तो फाई इक्वल टू ई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है इंटू डी एस मतलब क्या होगा, इस गोले का वक्र पृष्ठ जो कि कितना होता है, वक्र पृष्ठ 4πr² तो हो जाएगा 4πr² और कॉस 0° क्योंकि ये है त्रिज्या है और त्रिज्या हमेशा परिधि पर क्या होती है, लंब होती है। तो जब यहाँ पर लंब होगा मतलब पृष्ठ पर खींचे गए लंब के समांतर। एक बात आप हमेशा आप ध्यान रखना कि तीव्रता यदि पृष्ठ के लंबवत है तो थीटा 0 होता है क्योंकि पृष्ठ के लंबवत होने का मतलब है पृष्ठ पर खींचे गए लंब के वो समांतर हो जाता है। क्लियर। तो देयरफॉर ये हो जाएगा फाइ इक्वल टू ई इंटू 4πr² क्योंकि कॉस 0 कितना होता है, 1 होता है। इसलिए गास के प्रमेय से अब इसको हम क्या करेंगे, गास के प्रमेय में पुटअप कर देंगे। तो गास का प्रमेय क्या है अपने पास, फाई ई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, दैट इंप्लाइज फाई का वैल्यू यहां से पुटअप कर देंगे ई इंटू 4πr² इक्वल टू आवेश, तो यहां पर आवेश ही रहेगा और एप्सिलॉन नॉट। अब यहां से हमको क्या करना है, तीव्रता का मान निकालना है, तो तीव्रता को हम बाएं तरफ छोड़ देते हैं और उसको हम उधर ट्रांसफर कर देते हैं। देयरफॉर E इक्वल टू 1 अपॉन इधर जाके 1 अपॉन 4πएप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन r² जो कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला होता है, किसके लिए, गोली आवेश के लिए। क्लियर। लेकिन यहाँ पर यह क्वेश्चन इस तरह से ना पूछ के बहुत बार बोर्ड एग्जाम में इस तरह से पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन में यदि आपको पूछे गास के प्रमेय की सहायता से कुलाम के नियम का सत्यापन कीजिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसमें ऐड होता है वह कुलाम के नियम की स्थापना या सत्यापन, सत्यापन भी कह सकते हैं,
या उसको डिराइव करना। कुलाम के नियम का सत्यापन करना। तो कुलाम का नियम क्या है, 1/4πε0 q1 into q2/r2। अब यदि हमको इसकी सहायता से कुलाम के नियम का सत्यापन करना है, ज़्यादातर बोर्ड एग्जाम में यह क्वेश्चन इसी तरह से पूछा गया है कि गास का प्रमेय लिखिए तथा गास के प्रमेय की सहायता से कुलाम के नियम की स्थापना कीजिए या उसका सत्यापन कीजिए। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, ये बिंदु P पर एक Q0 आवेश मान लेंगे और फिर यहाँ पर उस पर बल की गणना करेंगे। Q0 आवेश पर लगने वाला बल F, तो बल बराबर होता है आवेश गुणित तीव्रता, तो Q0 इंटू तीव्रता क्या है E, दैट इम्प्लाइज F इक्वल टू Q0 और तीव्रता का फार्मूला हम यहाँ से ला के पुट अप कर देंगे तो ये हो जाएगा 1/4πε0 q/r2, दैट इम्प्लाइज F इक्वल 1/4πε0 q into q0/r2 और आपको मालूम है यही क्या है, कुलाम का नियम है। इस प्रकार से कुलाम के नियम का सत्यापन हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखिए, यदि आपको क्वेश्चन पूछे कि गास के प्रमेय की सहायता से कुलाम के नियम की स्थापना कीजिए या कुलाम के नियम को प्रूफ करिए, तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले यहाँ तक निकालना होगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के बाद आपको मान लेना है कि माना कि बिंदु P पर एक Q0 आवेश रखा हुआ है, तो Q0 आवेश पर लगने वाला बल इतना होगा, और इस मान को भरने के बाद यहाँ पर लिख लोगे जो कि कुलाम का नियम है, ये प्रूफ हो जाएगा। क्लियर? तो इस तरह से आप देखिए कि यहाँ पर क्या है, हमने गास थ्योरम का जो अनुप्रयोग पढ़ा, गास थ्योरम को हम तीन अनुप्रयोग पढ़े, सबसे पहले एक सरल रेखीय चालक, फिर दूसरे नंबर में हमने पढ़ा एक आयताकार चादर, और तीसरे नंबर में हमने पढ़ा क्या, एक गोली चालक या गोली आवेश। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और गास का प्रमेय आप ये मान के चलिए कि आपके एग्जाम में गास के थ्योरम से रिलेटेड कोई ना कोई आपको क्वेश्चन पूछेगा ही। तो मैंने अपने लेक्चर के 4th नंबर के पार्ट में गास थ्योरम पढ़ाया था आपको, और 5th नंबर के पार्ट में उसके एप्लीकेशन पढ़ाया। आप में से जितने भी स्टूडेंट्स यदि मेरा 4 नंबर का वीडियो नहीं देखे हैं, तो गास प्रमेय के अनुप्रयोग पढ़ने के पहले आपको क्या करना है, उसको पढ़ना है, 4 को पढ़ना है। प्रमेय पढ़ने के बाद ही आपको उसका अनुप्रयोग समझ में आएगा। क्लियर? इस तरह से आप इसको देखिए, और मेरा आपको सजेशन है कि आप मेरा लेक्चर सुनने के बाद ये जो बोर्ड वर्क मैं करता हूँ उसको या तो आप लिखिए पॉज करके, या तो उसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए और बाद में पूरे डेरिवेशन एक बार अपने रफ कॉपी में लिख के जरूर देखिए, तभी आपको प्रिपेयर होगा। आप सिर्फ लेक्चर सुनते रहेंगे तो प्रिपेयर नहीं होगा। ओके, थैंक यू।